दूध ले लिए, अंडे लेते हैं, जाके घर में नाश्ता पकाते खाते हैं। बहुत भूख लगी है, काफ़ी बड़ा है तकरीबन, यहाँ से शुरू होता है वहाँ तक 30 फुट का होगा तकरीबन। पास जगह ना फंसे ना सटे होंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आया था थोड़ी पेशावर की तरफ, अपने गांव की तरफ, तो सोचे थोड़े से वीडियो बना ले। तो ये है मेरा कज़न मेहरान। मेहरान क्या हाल है? ठीक ठाक। सुनाओ क्या कर रहे हो सुबह सुबह के टाइम? किसको पत्थर मार रहे हो? जुनेश को। जुनेश किस है? जुनेश तक। तो अभी हम उठे हैं नींद से। तो यहाँ पे आपको पता है कि गांव में क्या सिस्टम होता है। अभी हम जाएंगे उजरे पे, मुआ धोएंगे वहाँ पे, फिर जाते हैं कहीं। और उससे पहले आप नज़ारा चेक करें सुबह 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 के टाइम का, क्या ही फ्रेशिंग मूड बनता है यहाँ पे। ये हमारा उजरा है और वो घर है। दाबू डिशी दिया मेरा ना, दाबू डिशी दिया चिनार दी। ये सारे चिनार के पौधे यहाँ पे, सारे गंदम लगी हुई थी, अभी कटाई होगी आपको पता है पिछले महीने। तो कसा वसा उधर ही कसेंगे। ये हमारा उजरा, ये वॉशरूम है, यहाँ मुँह धोने की जगह है, ये बैठने की जगह सारा। बिजली का सिस्टम यहाँ पे चेक करें, डायरेक्ट यहाँ पे कुंडे लगाए जाते हैं। सारे गांव में यही सिस्टम है, बिजली यहाँ पे घंटा घंटा होती है। आ गया मेरा ना, नाश्ते में क्या खिलाओगे? अंडा पराठा नहीं चाहिए शुरू? अंडा पराठा हो नहीं चाहिए मामा दुकान में अंडा रहा हो। हाँ पूरे पराठे सही जगह दुकान आप चेक करें, बिल्कुल गांव के माहौल की दुकान बनी हुई है। ये साथ छोटी सी खेत इन्होंने लगाई हुई है, ये दुकान है। यहाँ भी इन्होंने बाहर मोटर पंप लगाए हुए है। दूध ले लिए, अंडे लेते हैं, जाके घर में नाश्ता पकाते खाते हैं। बहुत भूख लगी है। अरे दो सुनो से क्या लगा टिकटॉक जुड़े मेरा ना स्टार है। जी तो गाइस नाश्ता हमने कर लिया नाश्ता, और अभी हमारा प्लान बना है किधर जाने का। किधर जाना है? साहब बाबा जाना है। कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन एक घंटा। एक घंटा लगेगा? चलो आधा घंटा, चलो चेक कर लेंगे अभी कितना टाइम लगता है। रास्ते में बोर्ड आता है असहाब बाबा, जाके राइट मुड़ना है। यहाँ पे राइट मुड़ेंगे हम और जाएंगे सीधा जी। तो ये पहुँच गए हैं असहाब बाबा के कब्रिस्तान। अभी हम ये सारे कब्रिस्तान हैं तो चेक करते हैं अभी यहाँ पे कौन सा है असहाब बाबा वाला। ये वाला है ऊपर जो बना हुआ है। अच्छा जी, तो हम पहुँच गए असहाब बाबा। ये हमने गाड़ी पार्क कर दिया है मेहरान।
ये पर्ची पार्किंग की। ये रास्ता जा रहा है शाह बाबा की तरफ। ये है कब्रिस्तान। काफ़ी बड़ा है, तकरीबन यहाँ से शुरू होता है वहाँ तक 30 फुट का होगा तकरीबन। हाँ ज़्यादा दी। अच्छा, इसमें तकरीबन ज़्यादा असाब है तो हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन मैं समझे कि एक ही है वो इतना लंबा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये बोर्ड आप देख लीजिए, हज़रत सन्नान बिन सलमा का मेन जो असाब है उसका नाम ये है। यहाँ पे लंगर शंगर की तैयारी हो रही है, दोपहर का टाइम होने वाला है अभी, तकरीबन 12 बजे 1-1.5 बजे यहाँ पे लंगर की तैयारी हो जाती है। यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है और इसके पौधे के जड़ से आपको पता लगा सकते हैं कि यार ये कितना पुराना हो सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ से कुछ पीते हैं। जुनैद खान जी, तो असहाब बाबा हमने देख लिए, अभी हम जाते हैं वापस। मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है, ट्रेन यहाँ पे अभी खाना के लगेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी को साइड पे खड़ी करते हैं थोड़े से और फिर खाना खिलाते हैं। ये मेहरान क्या खिलाओगे? चावल खिलाओगे? अरे क्या मेहरान, चावल खेलोगे? चावल खेलोगे खिलाओगे? हाय 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 मेहरान, चावल खिलाओगे? नहीं। हाँ नहीं कहीं। तो गाइस यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेहरान को डिस्टर्ब नहीं करते बीच में, इनके भी खाना कर रहे हैं तो चावल खिलाएंगे। हाँ तो इंशाल्लाह करेंगे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।